नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं Realme के जो मोबाइल है दोस्तों, MI के जो मोबाइल है उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों, उन मोबाइल में क्या होता है कि जल्दी हमारा बैटरी पिकअप खत्म हो जाती है, बैटरी का चार्ज जल्दी खत्म हो जाता है, और जब हम चार्ज करते हैं उसको पूरा 100% चार्ज कर देते हैं, फिर भी दोस्तों उसका चार्ज बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्यों खत्म हो जाता है और आप अपने फ़ोन में क्या सेटिंग करेंगे कि आपका चार्ज खत्म नहीं होगा जल्दी? और दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका चार्ज बिल्कुल भी ऐसे खत्म नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था, ऐसे खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना पड़ेगा, तो मैं आपको एक एक ट्रिक समझाऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए कि आपका बैटरी का चार्ज खत्म नहीं होगा, और दोस्तों आपकी बैटरी क्यों खराब होती है, उसकी क्या क्या कारण है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को मैं आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों, आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से दोस्तों आज मेरा चैनल दोस्तों इतना ग्रो हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। दोस्तों प्लीज़, दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं लाइव प्रूफ या वितरित के साथ ही मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों, जो भी मतलब मैं वीडियो में बताता हूँ आपको, तो बिल्कुल मैं जेन्युइन बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपना व्यूज बढ़ाने के लिए या फिर अपना सब्सक्राइब पाने के लिए मैं ऐसे वीडियो बना देता हूँ। दोस्तों, मैं बिल्कुल मतलब पहले मैं जानकारी लेता हूँ कि नहीं ये ट्रिक काम करेगा या नहीं करेगा, इससे लोगों को फ़ायदा होंगे या नहीं होंगे, उसके बाद ही दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप बैटरी पिकअप इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए, और आपका अगर कोई भी सवाल है तो हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बिना देरी करते हुए चलेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। आप वहाँ पे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि आपको क्या क्या सेटिंग करने हैं ताकि कि आपका मोबाइल की दोस्तों बैटरी चार्ज बिल्कुल भी जल्दी ख़त्म ना हो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में। तो दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन में आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने सेटिंग में जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पास अभी फिलहाल MI के मोबाइल नहीं है दोस्तों, मेरा वो मोबाइल चार्ज नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों, मैं आपको अपने सैमसंग के मोबाइल में बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये जो जो मतलब मैं ट्रिक बताऊँगा वो हर मोबाइल में होता है। दोस्तों, आप आएंगे अपने अपने MI मोबाइल के सेटिंग में, और आने के बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले आना है बैटरी के ऑप्शन में। जैसे कि दोस्तों, सैमसंग के मोबाइल में डिवाइस केयर में होता है बैटरी का ऑप्शन। दोस्तों, जैसे कि हम आएंगे बैटरी में, बैटरी में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चार्ज हमारा कौन सा ऐप लेता है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे YouTube को देख सकते हैं, ये 42.7% चार्ज खींचता है, सबसे ज़्यादा चार्ज खींचता है। और दोस्तों, सेकंड में स्नैक वीडियो। जैसे कि दोस्तों, हमारा क्या था कि पहले टिकटॉक वीडियो था, और जैसे कि जितना भी मतलब दोस्तों मतलब वो जो छोटा स्मॉल वीडियो होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हमारा चार्ज खींचता है। तो दोस्तों, इन ऐप को आप कभी यूज़ कीजिए, इससे आपका चार्ज बहुत ही कम खींचेगा। लेकिन दोस्तों, आप इन ऐप को ज़्यादा चलाते हैं फिर भी आपका चार्ज खत्म हो जाए, आप चाहते हैं कि ऐप को मैं चलाऊं और चार्ज कम खींचे, तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले कि आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले अपने फ़ोन के जैसे कि दोस्तों नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों लोकेशन का। एक चीज़ आपको ध्यान देना दोस्तों, आपको हमेशा दोस्तों लोकेशन को दोस्तों ऑफ करके रखना है, ताकि दोस्तों आपको जब भी दोस्तों आपका लोकेशन अगर ऑन रहता है तो दोस्तों आपका फ़ोन का दोस्तों चार्ज दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दोस्तों डाउन होने लगता है। क्योंकि दोस्तों, लोकेशन क्या होता है कि आप कब किस जगह पर गए वो वहाँ पर सर्चिंग लेते रहता है, वहाँ पर वेरीफाई होते रहता है, इससे दोस्तों आपके फ़ोन की चार्ज काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। दूसरा क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दोस्तों जब भी दोस्तों अगर जी आप अपना फ़ोन को चलाते हैं तो आप डाटा ऑन रखिए, लेकिन दोस्तों जैसे ही दोस्तों आपने अगले अपना फ़ोन को आप नहीं चाहते कि और मैं नहीं चलाऊँगा इस फ़ोन को, तो आप तुरंत दोस्तों डाटा को दोस्तों ऑफ़ कर दीजिए। डाटा ऑफ कर देंगे दोस्तों, इससे क्या होगा कि दोस्तों आपका फ़ोन का दोस्तों चार्ज दोस्तों बिल्कुल कम खींचेगा। और दोस्तों, नंबर तीन दोस्तों क्या है कि आपके फ़ोन की जो है दोस्तों ब्राइटनेस को आप दोस्तों हमेशा दोस्तों लो करके रखिए, कम करके रखिए, ठीक है। जब आप मतलब आपको ज़रूरत पड़ती है कि नहीं ब्राइटनेस हमें अभी बढ़ाना चाहिए, तभी आप उसको यूज़ कीजिए, इससे भी दोस्तों आपका बैटरी का दोस्तों चार्ज दोस्तों कम खींचेगा। और दोस्तों, सबसे दोस्तों मेन पॉइंट क्या है मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि हम दोस्तों जब भी हम अपना नया फ़ोन खरीदते हैं तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक हमारा फ़ोन की बैटरी तो बहुत ही अच्छी पिकअप देती है, लेकिन दोस्तों बाद में धीरे धीरे वो कम हो जाती है। क्यों होती है, इसके क्या कारण है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, हम सबसे पहले क्या गलती करते हैं कि हम कभी भी क्या करते हैं कि हम फ़ोन को रात में चार्ज में लगा के सो जाते हैं, और दोस्तों हम पूरी रात भर फ़ोन को चार्ज में लगा देते हैं, इससे दोस्तों हमारी बैटरी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ख़राब हो जाती है। दोस्तों, आप हमेशा ही ध्यान रखिए कि ये गलती आप कभी मत कीजिए, आप कभी भी फ़ोन को चार्ज में लगा करके कभी मत सोइए। आप हमेशा क्या कीजिए कि फ़ोन को 1 से 1.5 घंटे तक चार्ज कीजिए, उससे ज़्यादा दोस्तों आप चार्ज नहीं कीजिए। उससे ज़्यादा अगर आप चार्ज करेंगे दोस्तों, आप क्या होता है कि उससे आपकी बैटरी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ख़राब हो जाती है। दोस्तों, इससे दोस्तों आपकी दोस्तों चार्ज की जो दोस्तों पिकअप है दोस्तों बिल्कुल लो हो जाती है।
और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे कि दोस्तों आपने अगर जी नई फ़ोन लिए है अगर जी सैमसंग की या फिर एम आई की, दोस्तों उसमें दोस्तों आप जब भी बैटरी में जाएंगे दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे चार्जिंग का। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फास्ट चार्जिंग का, आप इसको अगर इनेबल कर देंगे दोस्तों ऑफ कर देंगे आपका फ़ोन दोस्तों काफ़ी दोस्तों मतलब बिल्कुल स्लो चार्ज होगा और चार्ज भी नहीं रहेगा। और दोस्तों इसको आप जब अगले ऑन कर देंगे दोस्तों काफ़ी फोन फास्ट आपका फ़ोन चार्ज होगा। लेकिन दोस्तों मुझे पता नहीं कि एम आई के मोबाइल में अभी ये ऑप्शन आया या नहीं आया, आप दोस्तों एक बार चेक कर लेना, अगर आ गया तो आप इसे ऑन कर देना, इससे दोस्तों आपका फ़ोन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज होती है। तो दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।